बबीता जी इतना क्या सोच रहे हैं आप, चलिए मेरे साथ मेरे घर पे। अरे क्या जेठालाल, चलिए चलिए, आप समझ नहीं रहे। अरे हम बबीता जी को अगर तुम्हारे घर ले गए तो ये झगड़ा और बढ़ने वाला है। क्या हूँ, समझने की कोशिश करो। हम एक काम करते हैं, अरे अय्यर और बबीता को आमने सामने बिठा के बात करा देते, वो माफी मांग लेगा और बबीता जी माफ कर देंगे। क्यों माफ कर देगी बबीता जी भाई, क्यों? यह माफी करने लायक कृत्य है ही नहीं, यह घोर अपराध है। मैं मानता हूँ कि यह घोर अपराध है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन समझाना हमारा फर्ज है या नहीं? मेहता साहब, आपने एक बार समझाया बबीता जी को, बबीता जी समझी भी और आपकी बात मान के वापस घर भी आ गई। नतीजा क्या हुआ? अय्यर भाई ने मार दिया। बस मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता, मैं बबीता जी को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। बबीता जी अब कम प्लीज रिक्वेस्ट, थैंक यू। आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिकर मत करो, मैं हूं ना। आप अय्यर, तुम्हें शर्म नहीं आई बबीता जी के ऊपर हाथ उठाते हुए? अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। नहीं नहीं, रहने दीजिए, अगर सचमुच का अय्यर भाई ने मार दिया तो अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? ए डॉटा, तू चुप रहना बीच में। अय्यर भाई, आपने सच में बबीता जी पर हाथ उठाया? इल्ले, वो झूठ है, वो मेरा थोड़ा पैर फिसल गया था तो उसको धक्का लग गया। ओए झूठे हो तुम, तुम झूठी हो। अरे अरे खबरदार, बबीता जी को झूठी बोला तो। बबीता जी आप चलिए, आप चलिए मेरे घर पे चलिए, चलिए। मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मुझे कौन सी तुम्हारी शक्ल देखने का शौक है। वो अय्यर चुप हो जाए यार। अरे मैं चुप नहीं रहूंगा, मैंने इससे शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे चल चल, वो तो बबीता जी की गलती थी कि उन्होंने तुम्हारे से शादी की। ये तो वही बात हो गई, कागड़ो दही थ्रू ले गया। बबीता जी आप सब कुछ भूल जाइए ना अभी। महादेवी भाभी, आप लोग कोई बीच में मत बोलिए। मैंने कहा है ना, मुझे डिवोर्स चाहिए तो मतलब डिवोर्स चाहिए। अरे मेरे को भी चाहिए। अरे चल चल, होता तेरा नसीब समझ। कितने साल में बबीता जी तुम्हारे साथ रही? अरे आप लोग सुनो सुनो, चुप रहो। आप लोग भी क्या लड़ने लगे? इन दोनों को आमने सामने लाएंगे तो सिर्फ लड़ने वाले हैं ये लोग, डिवोर्स मांगेंगे। जेठालाल एक काम करो, तुम अय्यर को घर ले जाओ। मैं अय्यर को क्यों लेके जाऊं? अच्छा ओके ओके ओके, तुम बबीता जी को ले जाओ, मैं अय्यर को समझाता हूँ। आओ ठीक है, आइए बबीता जी, आइए आइए। अरे अय्यर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो इधर। पत्थर दिल है अय्यर। नहीं नहीं बबीता जी, पत्थर दिल नहीं, वो सिर्फ पत्थर है, दगड़ बोलते हैं ना दगड़। अय्यर भाई, पति पत्नी के बीच में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात पत्नी को समझनी चाहिए। अरे पड़ी अय्यर को समझता ही नहीं है। बबीता जी, मेरी माँ कहती है कि कैसा भी पति मिले उसे भाग्य समझकर जिंदगी भर निभा लेना चाहिए। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, मैं उसके साथ में एक दिन भी नहीं रह सकता। बबीता अय्यर भाई दिल के इतने बुरे भी नहीं है। सुनो, जो पत्नी पे हाथ उठाए ना वो बुरे ही है। बराबर, लेकिन 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 कुछ नहीं, मैं उसके साथ मैं नहीं रह सकता। दिस इज फाइनल। फाइनल, मैं हिमालय में जाके जोगन बन जाऊंगी, पर मुझे इस अय्यर के साथ और नहीं रहना है। हमको बबीता से डिवोर्स चाहिए। आई वॉन्ट डिवोर्स एट एनी कॉस्ट। अय्यर एक बार समझदारी से और सोच लो। मैंने सोच लिया है सिर्फ डिवोर्स। अरे दूसरी बार फिर सोच लो। सोच लिया, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। चलो ठीक है, अब बबीता जी आप मान ही नहीं रहे तो आपको डिवोर्स दिलवाने की जवाबदारी अब मेरी। बेटा लाल, ये हम सबको धूप में क्यों खड़ा रखा है?
2 मिनट अभी सब पता चल जाएगा यार भाई। जेठा भाई क्या सॉल्यूशन क्या निकालने वाले हैं? पता नहीं पर कोई बड़ा हंगामा जरूर होगा।